नमस्कार, वेब दुनिया की खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय 24 घंटों में 17 मरीजों की मौत के बाद संदेह के घेरे में है। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से कुछ मरीजों की मौत हुई है। हमारे यहाँ जो रेगुलर डेली की एवरेज जो डेथ हुई है उतनी ही डेथ हुई है। एवरेज हमारे यहाँ करीब 10 से 20 या कभी कभी 21-22 तक जाता है डेथ, उतने ही संख्या में इस बार आज की भी डेथ है। मीडिया से बातचीत में मृतकों के परिजनों ने भी ऑक्सीजन बंद होने एवं लापरवाही की बात को स्वीकार किया है। आईसीयू में ले गए थे तो वहाँ पे ले जाते हुए फिर हमको आईसीयू में नहीं जान दिया। उसके बाद में मैं दीवार के धड़े सहारे खड़ा था तो उनने आपस में बात करी रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हुई है, ऑक्सीजन खत्म हुई है, बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। उसके बाद में फिर 2-1 घंटे 1-1.5 घंटा हुआ, उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। अस्पताल प्रबंधन पर शक की सुई इसलिए भी जाती है क्योंकि साल भर पहले ऑक्सीजन की लाइन में गलत गैस जाने से 2 मासूम काल के गाल में समा गए थे। देखिए, जो भी डेथ हुई है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे हुई है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पे हुई है। और ये डेथ जितनी भी हुई है इनमें ऐसे नहीं कि सब ऑक्सीजन पे जो थे, वेंटिलेटर पे थे, उन्हीं की हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज, ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो मतलब जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं, और हमारे पास करीब 40 वेंटिलेटर हैं। सभी और भी मरीज हमारे वेंटिलेटर पे थे, वो अभी भी है। ऐसा नहीं कि अगर सप्लाई होती चूंकि तो एक अगर कहीं बाधित होती तो सबके एक साथ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। शासन से करोड़ों रुपए का बजट मिलने के बावजूद अस्पताल की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। संभागायुक्त संजय दुबे एवं अस्पताल अधीक्षक इन मौतों को सामान्य करार दे रहे हैं। समाचार पत्रों में इस बात की सूचना प्रकाशित हुई थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई से MYH में कुछ बच्चों की, नवजात शिशुओं की डेथ हुई है। आपके समक्ष मैंने कलेक्टर इंदौर को भी पहले, अब मेरी मीटिंग चल रही थी, सूचना मिलने पर हमने कलेक्टर इंदौर को भेजा था। डीन यहाँ पर मौजूद हैं, सुपरिंटेंडेंट यहाँ मौजूद हैं, और उनसे भी समीक्षा की थी, किंतु फिर भी चूँकि ये सेंसिटिव मामला था इसलिए सोचा कि खुद भी इसका परीक्षण कर लिया जाए। सभी के साथ में आज मैंने MYH के सभी जो सीरियस वार्ड्स होते हैं जिसमें सर्जिकल ICU है, ICCU है, मेडिकल ICU है, बच्चों के जो PICU और न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबका खुद भ्रमण किया है। मुझे बताते हुए बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि ऐसा कुछ घटना हुई है, ये पूरी तरीके से गलत घटना को अंजाम दिया गया है। ऑन एन एवरेज मेडिकल ICU में, जिसमें 5 डेथ हुई हैं आज, ऑन एन एवरेज करीब 4 से 6 डेथ होती हैं, बिकॉज वो सबसे सीरियस पेशेंट्स वार्ड होता है। सभी डिफरेंट एलिमेंट से होती हैं, कुछ की एज उसमें 85 ईयर्स है, कुछ की एज 45 है, किसी की एज 27 है, किसी की और एज है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। ये सभी विभिन्न बीमारियों से, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टिपिकल बीमारियों के यहाँ भर्ती हैं। और जैसा मैंने पहले भी क्लियर कहा कि हर दिन लगभग 5 से 7 डेथ इन वार्ड्स में होती हैं। ये 1400 बेड का अस्पताल है, टर्शरी सेक्टर अस्पताल है, और इसमें ऑन एन एवरेज सभी पूरे अस्पताल को मिलाते हैं तो करीब 10 से 12 डेथ्स होती हैं। एक पर्टिकुलर वार्ड में ही, जिसकी बात मेडिकल ICU जिसे बोलते हैं, उसमें 5 से 6 डेथ्स होती हैं, और ये रूटीन है। इसमें कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ है। हो सकता है इनका दावा सही हो, लेकिन मृतकों के परिजनों के दावे को भी छुटलाया नहीं जा सकता। मेरे सामने 2-3 मरे, लापरवाही बहुत हो रही है, मतलब मरीज को सही तरीके से देख नहीं रहे। वैसे भी जिस तरह से इस मामले में लीपापोती हुई है उससे तो यही लगता है कि राख में कहीं ना कहीं चिंगारी तो दबी हुई है जो इतना धुआं उठ रहा है।